नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के यूनिट संख्या 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपना अध्याय है 21-21 राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योग की क्या भूमिका है, या राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग के बारे में बताइए, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योग की क्या भूमिका रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जिसमें भौगोलिक स्थिति की प्रतिकूलता, पानी का अभाव, विद्युत की कमी और आधारभूत संरचना का अभाव, यहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों पर बहुत ही कम विकास हुआ है। तो इस प्रकार से राजस्थान की ग्रामीण जनता के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग को शामिल किया गया है, जिसमें लघु कुटीर उद्योगों की हम बात करें तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में जो परिवार के सदस्य या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि एक सामान्य व्यवसाय के लिए एक न्यूनतम राशि लगा करके व्यापार या न्यूनतम राशि करके या इन्वेस्टमेंट करके कोई उद्योग की स्थापना करता है, तो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। कुटीर उद्योग में होंगे जो एक परिवार के सदस्य मिलके या परिवार के सदस्यों के द्वारा या परिवार के व्यक्तियों के द्वारा एक ही छत के नीचे जो भी कार्य संचालित या जो भी उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन या प्रोडक्शन जब करते हैं तो वो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो बात होगी अपनी यहाँ पर उद्योगों की। अब राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग की एक अहम भूमिका रही है, जिसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के माध्यम से जो ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक रोज़गार का एक साधन भी मिला है, जो कि एक महत्वपूर्ण है। तो लघु स्तरीय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की हम बात करें तो लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई से तात्पर्य एक ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसमें स्थायी संपत्ति के रूप में प्लांट मशीनरी में 31-3-2001 को अधिकतम 100,00,000 रुपये का निवेश हो। इकतीस तीन 2001 तक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई की बात करें हम, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई की हम बात करें तो 31-3-2001 में एक तक 100,00,000 रुपये का निवेश हो, वो लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों में आते हैं, जिसमें MSME के कार्य क्षेत्रों में इनको दो भागों में बांटा गया है, जो उत्पादन क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। उत्पादन क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम और मध्यम उपक्रमों को शामिल किया गया है। सूक्ष्म उपक्रम में ये एक ऐसा उपक्रम है जो प्लांट व मशीनरी में निवेश की राशि 25,00,000 से अधिक है परंतु 5,00,000 से कम है, वो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, जो कि 25,00,000 से अधिक और 5,00,000 से कम है। सूक्ष्म में 25,00,000 से अधिक नहीं हो प्लांट मशीनरी में, तो इसमें भी सूक्ष्म इकाइयाँ में 25,00,000 तक, और दूसरा है लघु उपक्रम में
लघु उपक्रम है उसमें प्लांट मशीनरी में 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ तक, 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ तक, वो लघु उपक्रम की सेवा में आती हैं। इसे हम उत्पादन क्षेत्र भी कह देंगे, प्रोडक्शन लेवल को। हम बात कर रहे हैं उत्पादन क्षेत्र की, उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरा है मध्यम उद्योग की, मध्यम उद्योग में भी यहाँ पर प्लांट मशीनरी में 5 करोड़ से अधिक राशि का निवेश करना, तो वो मध्यम स्तरीय उद्योगों में शामिल किया जाता है। अब सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में भी ये अपनी उत्पादन क्षेत्र की होगी, यहाँ पर सेवा क्षेत्र की हम बात करें। सर्विस सेक्टर सेक्टर में सूक्ष्म उपक्रम, में यहाँ प्लांट मशीनरी में लगभग 10 लाख रुपए तक का निवेश हो। दूसरा, लघु उपक्रम में, लगभग 2 करोड़ से अधिक का नहीं हो। और तीसरा है मध्यम उपक्रम में 5 करोड़ से अधिक नहीं हो। ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, जो कि उत्पादन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र उद्योगों में प्लांट मशीनरी में जो निवेश राशि है वो इस प्रकार से निर्धारित की गई है। आगे हम राज्य के आयोग भी ये कहते हैं, जैसे हम बात करें हम यहाँ कुटीर उद्योग की, अनुषंगी उद्योग की, तो कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णतया मुख्यतः परिवार की सदस्यों की सहायता से, पूर्ण सहायता से आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, वे अपने कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अब अनुषंगी उद्योग में वे उद्योग जिसमें छोटे पुर्जे उपकरण मशीन संयंत्र में लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि का क्या हो, निवेश हो, वो अनुषंगी उद्योग में शामिल है। एक करोड़ रुपए की राशि तक का क्या हो, निवेश हो, अनुषंगी में आएगा। आगे हम इसी क्रम में इसकी निर्धारित सीमाओं के बारे में हमने चर्चा की, तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में हम करें तो लघु उद्योग का संचालन एक ही परिवार के सदस्य के द्वारा अपने ही घर में परंपरागत तरीके से किया जाता है, जबकि लघु उद्योग में उद्योगों का संचालन वेतनभोगी श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। तो ये लघु उद्योग आ गया। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में पूंजी का विनियोजन परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और इसमें बाह्य पूंजी का कोई स्थान नहीं होता है, जबकि लघु उद्योगों में पूंजी का उपयोग, उद्योगिक बाह्य पूंजियों का भी इसमें उपयोग होता है। यंत्रों का उपयोग, कुटीर उद्योगों में पूंजी का सीमित प्रयोग होता है, यंत्रों का इसमें प्रयोग नहीं होता है, जबकि लघु उद्योगों में विभिन्न मशीनरी या यंत्रों का प्रयोग होता है। बाजार, कुटीर उद्योगों का बाजार संकुचित है, जबकि लघु उद्योगों का बाजार व्यापक है, वाइड एरिया पे इसको किया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की अहम भूमिका रही है, जिसमें लोगों को रोजगार मिला है, पूंजी का विनियोजन हुआ है, धन के वितरण का समान हुआ है, संतुलित विकास गांव का, सर्वांगीण विकास में इन उद्योगों की अहम भूमिका रही है और बड़े उद्योगों की संभावना से भी काफ़ी मुक्ति मिली है, विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है। तो इस प्रकार से मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण, स्थानीय संसाधनों का भी इसमें मैक्सिमम उपयोग हुआ है, स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है। तो इस प्रकार लघु कुटीर उद्योगों की ये इम्पोर्टेंस थी। अब है बहुत ही मेन टॉपिक की हम बात करें तो बेसिक कंसेप्ट की हमने बात की, जिसमें अब पढ़ेंगे लघु उद्योगों की भूमिका की। लघु उद्योग की दुकान में रंगाई व छपाई बंधाई उद्योग, छपाई, रंगाई व छपाई उद्योग को शामिल किया गया है।
मूर्तिकला उद्योग, मूर्तिकला उद्योग को सम्मिलित किया गया है, बीड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, की अहम भूमिका रही है, पशुपालन उद्योग, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है, दुग्ध व्यवसाय, ये अपने महत्वपूर्ण रूप से इनको हमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम बात करें विभिन्न उद्योगों की, इसमें प्रथम है रंगाई व छपाई उद्योग। राजस्थान में रंगाई छपाई का उद्योग भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो रंगाई छपाई का उद्योग भी हमें प्रिंटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी सम्मिलित है। मूर्तिकला उद्योग, मूर्तिकला उद्योग में भी मूर्तिकलाकारी के लिए ये प्रसिद्ध उद्योग माना जाता है, तो मूर्तिकला उद्योगों की श्रेणी में शामिल है। मूर्तिकला भी विभिन्न राजस्थान राज्य में विभिन्न जगह पर मूर्तिकला का भी उद्योगों का क्रियान्वयन हो रहा है, जिनका एक सही एवं सुगम तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। अगला है बीड़ी उद्योग। राजस्थान में बीड़ी उद्योगों का भी एक अहम भूमिका रही है, जो कि एक सराहनीय तरीके से महत्वपूर्ण है। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग क्षेत्रों में भी, चमड़ा क्षेत्रों में भी काफ़ी राजस्थान में विस्तृत क्रियान्वयन किया गया है। पांचवा है पशुपालन, पशुपालन उद्योग भी एक सहायक है और दुग्ध उत्पादन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। तो इस प्रकार राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की अहम भूमिका रही है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद।